जी बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो तो नेक्स्ट क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 12। टॉपिक चल रहा है हमारा, यूनिट चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ नया टॉपिक, क्वांटम नंबर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाला है एग्जाम्स में भी, कंपटीशन में भी, बेस है केमिस्ट्री का। तो अगर क्वांटम नंबर सीखे तो काफी केमिस्ट्री सीखे, बेस बन गया आपका केमिस्ट्री, राइट? क्वांटम नंबर्स पढ़ाने से पहले कुछ और बातें करते हैं। एक तो पिछले टॉपिक आपने कवर कर लिए, लेक्चर 11 तक, ये 12 है, करके बैठना, नहीं तो 12 पढ़ने का कोई मजा नहीं है, राइट? बेकार जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, पहले पिछली क्लासेस कवर कर लो। एक और आपको बढ़िया न्यूज देना चाहते थे, अब हम लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जूम पे। तो जूम पे आप हमें डायरेक्टली मिल पाओगे, अपने डाउट्स पूछ पाओगे, थोड़ी ज्यादा इंटरेक्शन हो जाएगी, है ना? इस तरह से तो आप सिर्फ हमारा लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो यूट्यूब पे, इस तरह से आपसे ज्यादा इंटरेक्शन हो जाएगी लाइव सेशन में। तो जरूर ज्वाइन कीजिए, डाउट्स पूछिए, और ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी, है ना? ये तो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म आपको आगे जाके दिखाएंगे, राइट? आ रही है क्लासेस सारी समझ? ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, बेस बनाते जाओ, फिर बढ़िया चलेगा। चलो तो क्या चल रहा था हमारा टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बस अब थोड़े से लेक्चर रह गए, ये यूनिट भी फिनिश होने वाला है, और ये 12th लेक्चर है इसका। आएंगे 4-5 लेक्चर और आएंगे अभी, मतलब 75% के आसपास ये कवर हो गया। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन नहीं मैं देता अभी कोई, पहले इसको समझ लो, सीख लो, फिर डेफिनेशन बनेगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हालांकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोबारा दोबारा बोल रहा हूं, तो अच्छे से पढ़िएगा। तो क्या सीखा था अब तक हमने पिछली क्लासेस में, जो सीखा है कि एटम के सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस, और उसके आसपास होते हैं ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना? फिर दोबारा वही बात आ गई, सारे क्लासेस में यहीं से शुरू होता है, देखो बेसिक आपको यहीं से क्लियर होगा। तो न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते थे, क्या बोलते थे इनको, ऑर्बिट, ऑर्बिट का एक और नाम भी था, याद करो, शेल, और शेल को हम क्या बोल सकते थे, एनर्जी लेवल। अब बोलोगे सर इतनी बातें याद रखती है, अरे फिर वही बात है ना, पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगी, ये क्यों सोचते भी हम भूल जाएंगे, पढ़ोगे तो याद हो ही जानी, अपने आप ही याद हो जानी, क्या है ऑर्बिट शेल या एनर्जी लेवल, पढ़ तो लिया अब आपने, आपको याद भी हो गया, आपको पता ही नहीं। किससे डिनोट करते थे, एन से, क्या वैल्यू होती थी एन की, 1, 2, 3, 4, याद है ना, ए एल एम एन। अब इसका एक और नया नाम आ गया, एन को अब से बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन जो होता है ना, मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन को अब से बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एन हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट? तो क्या हुआ, मतलब कहने का मतलब ये हुआ भी, मेन जो ऑर्बिट है, जो शेल है, जैसे एनर्जी लेवल बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कोई नई बात नहीं है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं, शेल को ही बोलते हैं, या एनर्जी लेवल को भी बोलते हैं, मतलब सब भी एक ही नाम है, मतलब तीन नाम पहले थे, एक और नया नाम ऐड हो गया, अभी जो एन है वही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, राइट? क्लियर बात? चलिए तो एन को ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि शेल के अंदर होती थी सब शेल, याद है ना आप लोगों को, हर शेल के अंदर, जैसे ये एन वन है, ये टू है, ये थ्री है, शेल के अंदर क्या होती थी सब शेल, सब शेल को किससे डिनोट करते थे हम, याद करो, एल से, याद था एस पी डी एफ, याद है ना, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ, शायद कटना चाहिए वो,
एल से डिनोट करते थे, एस बी डी और एफ। एस के लिए एल की वैल्यू होती थी 0, सी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। क्या ये डिनोट करता था? सबशेल। सबशेल को सब ऑर्बिट भी बोल सकते हो, ऑर्बिट का सब ऑर्बिट, शेल से सब शेल, एनर्जी लेवल से सब एनर्जी लेवल, पार्ट है ना, शेल के अंदर ही तो है तो उसी का पार्ट है। शेल का पार्ट सब शेल, ऑर्बिट का पार्ट सब ऑर्बिट, और यू कैन से सब एनर्जी लेवल, राइट? सब शेल, सब ऑर्बिट या सब एनर्जी लेवल। अब इसी एल को नया नाम दिया गया है, वो है सेकेंड क्वांटम नंबर, उसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा नंबर? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो क्या नई बात है? कुछ भी नहीं, एन जो शेल था वो बन गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल जो सब शेल था या सब ऑर्बिट था वो बन गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। याद है ना कितनी वैल्यू होती थी एल की? एल की वैल्यू होती थी 0 से लेके एन माइनस 1 तक, पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको, राइट? जिन्होंने नहीं करी 11 क्लास कवर पहले, वो 11 पढ़ के आओ, फिर और क्लैरिटी आएगी। तो क्लियर, दो क्वांटम नंबर क्लियर हो गए, पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है एजीमुथल। जो शेल है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बन गई, और जो सब शेल है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर बन गई। कोई नई बात नहीं है, राइट? दो और हैं बस, फिर हम उसको नोट्स आपको बाद में बनवाएंगे, पहले आप समझते जाओ। प्रिंसिपल क्लियर? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बन गया शेल या एनर्जी लेवल, और सब शेल बन गया एजीमुथल क्वांटम। एल से डिनोट करते थे और वो होता था एस पी डी एफ। एस के लिए एल 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, राइट? बता दें सब कुछ। यहाँ पे स्पेस है थोड़ी सी, इस पे यहाँ पे करते हैं थर्ड। तो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हो गया सेकंड एजीमुथल क्वांटम, राइट? देखते जाओ ध्यान से। थर्ड, थर्ड का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या नाम है जी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। याद करो जो ऑर्बिटल था m, उसको हम डिनोट करेंगे किससे? ऑर्बिटल था ना, ऑर्बिटल किसका पार्ट? सबशेल का पार्ट था ऑर्बिटल, m से डिनोट करते थे, तो m को ही बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कितनी वैल्यू थी m की? माइनस l से लेके कहां तक? l तक। क्या बताता है? ये बताता है ऑर्बिटल है ना गिवन सबशेल, एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज हैं, यही था ना? तो कितने ऑर्बिटल हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज हैं, ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस एल से लेके एल तक। याद करो जब हम कहते थे एल 0 है तो एम की वैल्यू कितनी होती थी? 0, एक ऑर्बिटल था, डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते थे। जब हम बोलते थे एल 1 है तो कौन सी सबशेल थी? पी सबशेल। तो m की कितनी वैल्यू जाती थी? माइनस 1, 0, 1, कितने ऑर्बिटल थे? 3 ऑर्बिटल। याद आ गया? तो क्या क्या पढ़ लिया? तीन क्वांटम नंबर क्लियर हो गए, एनर्जी लेवल को ही बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लियर? सबशेल को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट? और m को ऑर्बिटल जो बताता है किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है उसे बोलते हैं कौन सा नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक और बात, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n से है तो वो एनर्जी बताएगा इलेक्ट्रॉन की, एजीमुथल क्वांटम नंबर l है तो वो सबशेल बताएगा, और वो एक और चीज बताता है, वो जो मैं आपको बाद में थोड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताते हैं? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। एंगुलर मोमेंटम मतलब जब वो बॉडी घूमती है तो उसका किसी एक्सिस के अराउंड मोमेंटम, MVR फिजिक्स की टर्म है, MVR मास वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, उसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम।
तो ये बताता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ शेल, और ये बताएगा क्या बताएगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं बस, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंशन मतलब इसके बाद में नोट्स बनवा दूंगा अच्छे से, अभी आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो। तो वो बताता है एनर्जी और ये बताता है एंगुलर मोमेंटम, राइट। चले आगे, ये क्या बताता है, ये बताता है किसी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसे है। जैसे अगर L1 है, ये भी सिखाऊंगा जब शेप सिखाऊंगा, तो -101 तो एक वैल्यू होती है अलोंग x एक्सिस, एक होता है अलोंग y एक्सिस, एक होता है अलोंग z एक्सिस। तो जैसे -1 हो गया px, py, pz, एक एग्जांपल के तौर पे। तो ये ओरिएंटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन का। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूमता है, किस डायरेक्शन की तरफ मिलता है इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोलते हैं क्या, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी, एजिमुथल क्वांटम नंबर सबशेल, और एक नई चीज ऐड कर दी मैंने, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये तीन क्वांटम नंबर हो गए, एक रह गया वो हमने पढ़ी लिया था पिछली क्लास में, क्या होता है वो, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है ना, उसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो दो वैल्यूज हैं, प्लस हाफ या माइनस हाफ, राइट। तो यहाँ पे कर देंगे रब सारा, आप चेक कर लो एक बार जो जो लिखा है, फिर आगे चलते हैं, देख लो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी, एजिमुथल क्वांटम नंबर सबशेल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन। चलिए अब हमने ना बस इनकी ट्रिक सीखनी है भी, हम किसी भी एटम के क्वांटम नंबर कैसे निकाला करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम कैसे निकाला करेंगे। पहले चौथा क्वांटम नंबर, चौथे का नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू प्लस हाफ, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, नीचे की तरफ एरो, तो वैल्यू उसकी माइनस हाफ, क्योंकि पॉलीज ने बोला था इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, एक ऑर्बिटल में दोनों होंगे ऑपोजिट स्पिन के साथ, तो वैल्यूज कितनी, प्लस हाफ या माइनस हाफ, राइट राइट याद रहेगा। तो बस स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज हैं, क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ, बस आप ये याद रख लीजिए। तो क्लियर हो गए चारों क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्या बताता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ शेल, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा जितनी शेल की एनर्जी होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। तो दोनों चीजों में मिक्स मत होइए, करिए कंफ्यूज मत होइए, एनर्जी ऑफ शेल बराबर है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एक तो सबशेल पता चलेगा और एक नई चीज बता दी, एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा, ऑर्बिटल, और उसी से एक और चीज आपको बता दी, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्पिन बताता है, क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ। ओके, अब मैं आपको सिखाता हूं किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन है
उनके क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज कैसे ढूंढनी है। तो मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आप करिएगा प्रैक्टिस, बस आ जाएगा, नोट्स इसके आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो क्वांटम नंबर की वैसे कोई डेफिनेशन नहीं होती, पर फिर भी मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ अगर आप लिखना चाहते हैं। इट इज द सेट ऑफ फोर नंबर्स विच गिव्स, क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल क्या देता था, एनर्जी, दूसरा क्या देता था, एंगुलर मोमेंटम, तीसरा क्या देता था, ऑरिएंटेशन। एंगुलर मोमेंटम से शेप भी निकल के आती है, क्या निकल के आती है, शेप क्या है उस ऑर्बिटल की, सबशेल की, ऑरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिन क्वांटम नंबर से, जिन नंबर से चार होते हैं, ये कौन कौन से बोलो, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो जिन चार नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन की सेट ऑफ फोर नंबर्स विच गिव्स एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम से शेप भी लिख सकते हो, ऑरिएंटेशन मैंने बोला ना एक्स एक्सिस की तरफ है या वाई एक्सिस की तरफ है, एम बताएगा, एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। तो उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। जिन चार नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, शेप, ऑरिएंटेशन और स्पिन के बारे में पता चलता है, उन चार नंबर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, क्वांटम नंबर्स, राइट। क्लियर है बिल्कुल आपको, वेरी गुड, बस यही है क्वांटम नंबर की डेफिनेशन। वैसे कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, ये बना सकते हो आप जी, ये चार नंबर से हमें जो पता चलता है, और इनके बारे में धीरे धीरे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो बस आज तो मैं उन चीजों को इकट्ठा करके बता रहा हूँ क्वांटम नंबर के फॉर्म में। पता है ना, आप एन पढ़ चुके हो, ऑर्बिट बोलते थे बोहर के टाइम पे, फिर शेल भी बोलने लग गए, एनर्जी लेवल भी बोलने लग गए, फिर सब शेल है वो आपको बताया पिछली क्लास में, एल से डिनोट करते हैं, एसपीडीएफ होती है, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल से हमें ऑरिएंटेशन पता चलेगी वो किस एक्सिस की तरफ है, और स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो चार क्वांटम नंबर। अब ये ढूंढना कैसे, इनकी ट्रिक क्या है, आप कर लो ये डेफिनेशन नोट कर लो, फिर मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर्स। हाँ जी, चले चलिए, तो टॉपिक है हमारा ट्रिक टू ऑब्टेन ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉन। किसी एक इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं आपको, ढूंढने हैं, पेपर में पूछा जाएगा, कंपटीशन में भी, बोर्ड स्कूल में भी आने चाहिए आपको। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d6, तो आपको 3d6 के क्वांटम नंबर बताने हैं सारे। तो 3d6 कैसे बनाओगे, d में याद करो कितने ऑर्बिटल थे, 5, l2 था d के लिए, याद आ गया। तो n की वैल्यू -2 -1 0 1 2, यानी कि ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब 6 इलेक्ट्रॉन, अच्छा हाँ, क्या निकालना, क्या है, सिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड क्वांटम नंबर्स और सिक्स इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d6, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने 3d6 के सिक्स इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स ढूंढने, 3d6 के सिक्स इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर ढूंढने। मैंने क्या बताया, डी में कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल, L2 था, तो L2 के लिए M की वैल्यूज भर दो। तो कैसे भरने थे, याद करो क्या सिखाया था आपको, पहले सिंगल सिंगल फिल करने, फिर पेयरिंग स्टार्ट, राइट। तो ये है सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो देखो 3D, तो यहां से ढूंढते हैं
यहां से शुरू करते हैं, थ्री तो एन कितना, थ्री थर्ड शेल है ना, थ्री डी है, तभी डी के लिए एल कितना, टू, ये ढूंढना ना हमें एन एल एम और एस। अब वो सिक्स इलेक्ट्रॉन किस में आया, माइनस टू में आया। अब वो कैसा है, उल्टा है, उल्टा मतलब पहला हम क्लॉकवाइज मानते, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन कितना माइनस था, राइट। तो ये ऐसे करके हमने चार क्वांटम नंबर्स ढूंढे। दोबारा से समझाता हूँ, शायद कहीं पे कुछ रह गया था मेरे से। तो क्वेश्चन था, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड ऑल क्वांटम नंबर्स, ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर सिक्स इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d6, 3d6 के सिक्स इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम नंबर ढूंढने हैं। तो मैंने क्या किया, 3d6 का मतलब पहले d बना लिया, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल किया, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो 3d का मतलब n कितना, 3, d का मतलब l कितना, 2, m कितना, माइनस टू, माइनस वन, जीरो वन टू, ऐसे ही होता है। तो ये किसमें आया, सिक्स इलेक्ट्रॉन। अगर वो सेवंथ बोलता, अच्छा अगर सेवंथ तो है नहीं, अगर वो सेकंड इलेक्ट्रॉन बोलता तो ये वाला माइनस वन होता, राइट। तो उसने सिक्स इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो मैंने लिख दिया माइनस टू, स्पिन कितना एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ, तो बस ये हो गए एन थ्री एल टू एम माइनस टू, स्पिन माइनस हाफ। करें एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस, आ गया समझ, बस बहुत सिंपल सी बात है, बस यही क्वेश्चन हमने सीखने, हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर्स। देखो चेक कर लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। बहुत सिंपल है, चार क्वांटम नंबर हमने बताने हैं। तो जो शेल का नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो सब शेल है वो है एजिमुथल क्वांटम नंबर, एस के लिए जीरो, पी के लिए वन, डी के लिए टू, राइट। तो ऐसे करके क्वांटम नंबर अब ढूंढ लो। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है, फाइंड ऑल क्वांटम नंबर्स, क्वेश्चन है आपका, और एट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एट इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम नंबर ढूंढे। अभी मतलब कौन कौन से, एन एल एम और, राइट। तो बताओ फिर क्या है ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन सीखो पहले, लेक्चर नंबर 9 या 10 में सिखाई है वो, 9 में 1s2 2s2 2p4, 8 किस में जाएगा, p में ही जाएगा ना, तो बना लो उसे। तो कैसे बनेगा, p में लास्ट वाला 3 होते हैं उसके, ज्यादा ना, -1 0 1, अरे P सब शेल के लिए L1, तो M कितना, -1 0 1, कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो कहां पे गया वो इलेक्ट्रॉन, 2P में गया, तो N कितना, 2P के लिए L कितना, 1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आके भरा, -1, कैसे भरा, एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना माइनस, बस ऐसे करके हमने ढूंढ लेना, ओके। बात समझ में आई, तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर्स हम बता सकते हैं। तो एन एल एम एस बताना है, तो यहां से शुरू करा करो, ये आपका एन हो जाता है, पी से एल पता चल जाएगा, फिर बना के एन पता चल जाएगा, और क्लॉकवाइज का प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज का माइनस, बस इतनी सी बात, राइट। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पता लग गया क्या कर रहे हैं हम, ट्रिक टू ऑब्टेन ऑल क्वांटम नंबर्स। हाँ चलिए ये सीखिए और इशारों को सीखिए। फाइंड
क्वांटम नंबर फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सभी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर ढूंढिए, ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के सभी इलेक्ट्रॉन, सभी सभी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर ढूंढिए, ठीक है। तो वो ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले लिख लेता हूं, तो सेकंड ढूंढना मेरे को एन एल एस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐसे मिक्स हो जाएंगे, मैं लाइंस लगा लू, आपके साथ तो एक खाली क्यों आना, आपके साथ तो ये भी लाइन लगाते हैं, सीधी लाइन लगा लो, थोड़ी इजी रहेगा, हाँ जी, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हाँ जी, तो राइट, ठीक है जी, सबके निकालते हैं, ध्यान से देखो आप इधर, तो यहां है NLMS और क्वांटम नंबर्स, तो क्या थी ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p फोर, तो 1s के अंदर ऐसे, 2s के अंदर भी ऐसे, एक ही होता है ना s का ऑर्बिटल, p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन, तो p के अंदर 1, 2, 3 और लास्ट 4, पहले सीधे फिर एक उल्टा, पहले क्लॉकवाइज फिर एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया 2p, और p के लिए कितना होता था, -1, 0, 1, S के लिए L0 तो MB 0, L0 तो MB 0, याद है ना, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का किसमें है, 1s में, तो N कितना, 1, S के लिए L हमेशा 0, L0 तो M 0, तो पहले इलेक्ट्रॉन सीधा, तो स्पिन कितना हाफ, सेकंड भी 1 में ही है, तो 1 0 0 लेकिन उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, थर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, 2s में, तो n2, s के लिए l अगेन 0, m कितना 0, तो स्पिन उसका फिर प्लस हाफ, फोर्थ में फिर 2, 0, 0, माइनस, अब 2p पे आते हैं, 2p में पहला इलेक्ट्रॉन किसमें है, माइनस 1 में, तो 2, p के लिए l कितना 1, m कितना किसमें है, उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइनस 1 में है, माइनस वन पहला सीधा है तो प्लस था, अगला टू में है, वन में है लेकिन उसका एम कितना है, जीरो, फिर प्लस था, सातवां इलेक्ट्रॉन चेक करो, वो ये वाला है सातवां इलेक्ट्रॉन, यहां चला गया, तो टू पी में फिर वन लेकिन वो किस में है, प्लस वन में, उसका भी स्पिन कितना प्लस था, लास्ट टू पी फोर उल्टा आ गया, टू वन पी में है ना, पी के लिए एल वन लेकिन वो फिर दोबारा किसमें आ गया, माइनस वन, उसका स्पिन कितना हो गया लेकिन माइनस हाफ, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये मैंने सारे क्वांटम नंबर्स ढूंढ लिए, आप भी ढूंढ लोगे ना, इजी है, मुश्किल तो नहीं है, एम की वैल्यूज माइनस वन जीरो वन, बहुत सिंपल है, माइनस एल से लेके एल तक पिछली क्लास में भी समझाई थी, दोबारा बता दी, एस ये बता ही दिया, L की वैल्यू 0 है S के लिए, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ये आपको पता ही है, और M की वैल्यू 0 है तो 0, इसकी माइनस 1 0 1, इसकी माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, उसकी माइनस 3 से लेके, राइट, याद है ना सबको, तो अब इन सबको अगर आप अच्छे से चेक करो, आराम से टाइम निकाल के, लिखा हुआ है आपके पास, बनाओ खुद प्रैक्टिस करना घर पे, तो आप देखोगे आठों के आठों इलेक्ट्रॉन्स के अंदर
कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर अलग है, जैसे फर्स्ट में n सेम है, l सेम है, m सेम है, लेकिन इसका प्लस हाफ है स्पिन, सेकंड का स्पिन माइनस हाफ है, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए n टू हो गया, l सेम है, m सेम है, लेकिन n फर्क हो गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का n थर्ड और फोर्थ में चेक करो, इनका भी स्पिन अलग हो गया। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके सारे क्वांटम नंबर सेम हो। ये पॉलीज का नेक्स्ट पार्ट है जो मैंने बोला था आपको पिछली क्लास में समझाऊंगा। पॉलीज ये कहता था, इसीलिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं, भी एक एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम हो जाए। एक्सक्लूजन का मतलब वो एक्सक्लूड करता है, निकालता है ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज को जो ये कहती हैं भी एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम नंबर वाले आ जाए। नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी संभव नहीं है, किसी भी एटम के लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे वो छोटा एटम है चाहे बड़ा एटम है। ये तो मैंने ऑप्शन बनाया, आप तो बड़ा बना के देखोगे तब भी नहीं आएंगे, हालांकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, खुद प्रैक्टिस करना। तो किसी भी एटम के लिए दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, एक ना एक क्वांटम नंबर अलग होगा ही होगा, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी क्वांटम नंबर को निकाल सकते हो, आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन के साथ, बस यही आज आपका होमवर्क होगा। आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आपको क्वांटम नंबर कोई भुला नहीं सकता, और अगर ये आ गया तो फिर आपकी परफेक्शन है। मजा आ गया ना आज की क्लास पढ़ के, पक्की बात है। चलिए तो ये बनाना सीख लो, आप क्वांटम नंबर निकालना सीख लो। और यहां से एक दूसरी स्टेटमेंट निकली पॉलीज की, कहां लिखूं, यहां ये आपने सारा किया है अभी, चलो ये ऊपर आपको पता लग गया क्वांटम नंबर्स पढ़ा रहे हैं तो मैं मिटा रहा हूँ, ये भी लिखा रहने देनी चाहिए, आपको चाहिए होगा, जरूरत होगा, तो यहाँ पे लिखा रहा हूँ स्टेटमेंट, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल फोर क्वांटम नंबर। No two electron in an atom can have same value for all four quantum numbers. ये second statement है किसकी, same लिखा है किसकी, Pauli exclusion principle, right? Which principle? नाना वाला है Pauli exclusion principle. एक statement कल लिखवा दी थी, ये दूसरी statement है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर एटम के अंदर सेम नहीं हो सकते। बस बच्चों, चलिए तो चार क्वांटम नंबर सिखाए हैं, प्रिंसिपल, बोलो नाम, मैग्नेटिक, नहीं सॉरी, फिर अजीमुथल, फिर मैग्नेटिक और फिर स्पिन, फिर उनको ढूंढना, ठीक है। तो कैसे ढूंढना है ये लिखा हुआ है सारा, ये नोट कर लीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, देखिएगा लेक्चर को दोबारा दोबारा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो ठीक है बच्चों, हाँ मैंने आपको बताया अब हम आपके साथ लाइव हो जाएंगे, तो आप तैयारी रखिए, राइट, और फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस, और मजा आएगा पढ़ाई करने का। तो लाइव जूम सेशंस करेंगे अब आपके साथ, लाइव क्लासेस आपको देंगे। चलिए ये सारा नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं आपको 5 मिनट टाइम देता हूँ, बस ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, 5 मिनट आप नोट कर लीजिए, ओके। देख दे रहा हूँ 5 मिनट, आप नोट कर लो पहले, फिर मैं बंद करूंगा।